हेलो भैया, कैसे हैं आप? मस्त हूँ भाई, आप कैसे हो? तो कहाँ से आप? मैं वसाई से हूँ, मुंबई। तो फिर मुंबई क्यों गए थे? एक्चुअली क्या हुआ, लॉकडाउन से पहले हमारा शॉप था, तो लॉकडाउन में सब बेकार हो गया, आपको पता ही है, 3 महीने क्लोज रहा। तो कितनी इन्वेस्टमेंट लग गई होगी? इन्वेस्टमेंट देखा तो कार खुद का रहे तो 2 लाख इनफ है। तो कितना सेल हो जाता होगा? वो डिपेंड करता है मंथली वाइज। तो मुंबई से बैंगलोर क्यों आना हुआ? हम लोग के जैसे बंदे क्या चाहिए, ड्राइव चाहिए, साथ में कपड़े भी बेचना है। के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? कि मतलब एक आइडिया आया कि कार लेके कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट किया कार से। आपके अलावा और कौन कौन है इस बिजनेस में? लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। की उम्र क्या है? हाँ, आई एम एक्चुअली 20 नाउ, 20 होने वाला हूँ। तो आपने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या सोच के स्टार्ट किया था? एक्चुअली लॉकडाउन से पहले हम लोग एक्चुअली फुटपाथ पे शुरू किए थे। तो जैसे कि आप लोग ट्रेंड के साथ अपडेटेड कैसे रहते हैं कि पब्लिक को ये चाहिए? एक्चुअली मेन आपको जैसे पता है, ट्रेंड शुरू होता है मुंबई से। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मस्त हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। आपका नाम? वसीम अकरम। मेरा रोहित शर्मा। तो कहाँ से आप? मैं वसाई से हूँ, मुंबई। तो मुंबई से बैंगलोर क्यों आना हुआ? बैंगलोर में हमारा फैमिली इधर ही रहता था, इसके लिए हम लोग बैंगलोर में ही रह गए, शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो फिर मुंबई क्यों गए थे? मुंबई में हमारा उधर ही बॉर्न बैट ऑफ है, वहीं पे हमारा फैमिली का घर वहीं पे है, हम लोग इधर आकर रह रहे हैं। तो मैंने जैसे देखा है कि आपका जो बिजनेस है, लाइक कपड़े वगैरह लगाए हुए हैं गाड़ी पे, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली क्या हुआ, लॉकडाउन से पहले हमारा शॉप था, तो लॉकडाउन में सब बेकार हो गया, आपको पता ही है, 3 महीने क्लोज रहा, तो इसके लिए हम लोग ये स्टार्ट किया कार में। कि मतलब एक आइडिया आया कि कार लेके कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट किया कार से 3 साल से। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आपसे पहले मैं सोच रहा हूँ लोगों ने क्यों नहीं सोचा इस बारे में। हाँ, बात तो सही है, बहुत किसी के माइंड में बाद में आता है, चीज़ें देख के आता है, हम लोग स्टार्ट कर दिए कुछ भी सोच के। ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि मैंने जब देखा मेरी नज़र के अगले, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो इसलिए मेरे को काफ़ी पसंद आया ये। तो भैया, जैसे इसमें आपने जब ये स्टार्ट किया होगा या सोचा होगा, तो कितनी इन्वेस्टमेंट लग गई होगी? इन्वेस्टमेंट देखा तो कार खुद का रहे तो 2 लाख इनफ है। अच्छा, अगर कार खुद का है तो 2 लाख कुछ इनफ है कपड़े वगैरह के लिए? और उसके बाद जैसे कि आपका दिन का रहता है कभी कभी, तो कितना सेल हो जाता होगा? वो डिपेंड करता है मंथली वाइज, मंथली एवरेज लेंगे तो 50,000 से ऊपर आ जाता है, मतलब सेव हो जाता है। सेव हो जाता है, और उसमें से प्रॉफिट कितना आ जाता है? प्रॉफिट 50,000 वही। अच्छा, प्रॉफिट 50,000 आता है, वरना तो कितना जाता होगा अगर नॉर्मली सेल्स काउंट करें तो? बस सेल्स काउंट करें तो आपको 4-5 लाख जाता है मिनिमम। 4-5 लाख जाता है मिनिमम? क्या बात है यार, इसमें तो मतलब काफी मजा है यार, कहीं भी लेके जाओ, सेल करो, ये वो, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। करते रहो, हम लोग के जैसे बंदे क्या चाहिए, ड्राइव चाहिए, साथ में कपड़े भी बेचना है। ये बात तो बहुत अच्छी है आपकी। तो इसके अलावा कोई दुकान वगैरह नहीं? नहीं, हमारा दुकान भी ले लिया अब हमने। अच्छा, 5-6 मंथ हुआ, सेम लेन में ही है, अंदर गली है ना, इसके लिए कोई कस्टमर जाता नहीं है, तो इसके लिए ही हम लोग यहाँ रखे हैं, ताकि कस्टमर को अंदर भेज सके। ये अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगी मुझे आपकी, कि कोई कस्टमर अंदर जाता नहीं है। वही ना, क्योंकि गली है ना, कौन जाएगा अंदर, देख लो आप, कोई है, कोई गली में नजर नहीं आ रहा। ये बात तो सही है, गली में कोई घुसना भी क्यों चाहेगा ना। अब यहाँ है तो यहाँ देखने के बाद उनको पसंद आ रहा तो आगे जाके देख सकता है दुकान में। तो आपका जैसे कि अभी आपने बताया कि इतना रेवेन्यू है, जनरेट हो जाता है, अगर किसी और को कपड़े की दुकान या कुछ खड़ा करना हो, या ऐसा ही सेम बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो आप क्या क्या आइडियाज दे सकते हैं? आइडियाज कुछ नहीं, पहले तो उनको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए पहला। हाँ, दूसरे क्या है कि उसको कपड़े कहाँ से चाहिए, कौन चीप दाम में दे रहा है, और अच्छा क्वालिटी कहाँ से मिलता है, क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। तो आप कहाँ से लाते हैं? मैं मुंबई से आता है, मेरा सूरत से आता है। ओके। हाँ, मेरा यहाँ जयपुर से भी आता है, तो इसके लिए हम लोग मुंबई से ही ज़्यादा बेस्ट रहता है मुंबई। अच्छा, मतलब वहाँ पे बढ़िया है, क्वालिटी अच्छा रहेगा, थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहता है, लेकिन क्वालिटी आप लोग देते हैं। तो आपका ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक बार लिया तो? हाँ, कस्टमर हम लोग बनाते हैं। हाँ, रेगुलर कस्टमर रहेगा तो ही तो हमारा सेल होगा। ये बात सही है। रैंडम कस्टमर से कितने कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। रेगुलर कस्टमर से ज्यादा कमा सकते हैं। एक बार आप लेके जाओ, पसंद आएगा तो दोबारा खुद आओगे, है कि नहीं? ये बात एकदम सही बोली आपने। तो इसके अलावा जैसे कि आपका, जैसे आपने कोई भी कपड़ा अगर हम चूज करते हैं, तो मिनिमम क्या प्राइस स्टार्ट होती है? मिनिमम सिंगल टॉप मेरे पास 350 से स्टार्ट, और सेट 650 से, और विद दुपट्टा फुल सेट टॉप पैंट एंड वेल आएगा वो 850 से स्टार्ट है मेरे पास। 850 से स्टार्टिंग है। 1300 लास्ट है। 1300 लास्ट है। उससे ऊपर कोई है? उससे ऊपर का नहीं करते हम लोग, रेगुलर वेयर है, पार्टी वेयर नहीं हमारे पास। तो ये बस इतना ही। पर नहीं, ये फिर भी क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है। जैसे कि अगर कोई आता है या फिर कोई किसी को चेक करना हो, तो आप सबसे पहले क्या रेफर करते हैं उनको? मैं उनको पहले क्वालिटी चेक कराता हूँ कि क्या क्वालिटी, देखो उसके बाद ही आप देखो क्या आपको कुछ बेस्ट पीसेस दिखा सकते हैं। आप देखो ये टॉप आएगा, ठीक है, ये नायरा कट है। ओके।
नायरा कट में ये स्लिट ऊपर तक रहता है, ठीक है, ठीक है। आजकल ऐसा ही चल रहा है, सब कुछ प्रीफर कर रहा है। तो आप लोग टू द ट्रेंड लेके चलते हो, जो चल रहा है वही रखते हो बस। ये हुई ना बात। ये देखो इसके साथ ये पैंट भी आएगा, ठीक है, ठीक है। ये दुपट्टा भी आएगा साथ में। ये 950 का है फुल सेट, 950 का है फुल सेट। और अगर मान लो हमारी वीडियो देख के कोई आता है तो उसको कितना डिस्काउंट देंगे आप? दूंगा भाई, जितना हो सकता है उतना, जितना हो सकता है। ये स्मार्ट आंसर दिया आपने। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि हाँ गाड़ी है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, कुछ भी आपके ऊपर है जी, जहाँ सेल अच्छा होगा वहाँ करेंगे। ये बिजनेस आपने बोला पहला एक नॉलेज होना चाहिए, दूसरा कि उस बंदे को पता होना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है ना। मतलब कपड़े का भी है तो कितना मार्जिन रहेगा, क्या रहेगा, और इसके अलावा कुछ और बोलना चाहेंगे? इसके अलावा टाइम देना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस टाइम मांगता है, टाइम मांगता है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई एक महीने में इतना कमा लूंगा, ऐसा नहीं होता है। पूरा झक मारना पड़ता है, उसके बाद ही बिजनेस में फॉलो मतलब आगे बढ़ने का चांसेस रहता है कि नहीं। ये बात तो है। तो आप लोगों को कितने टाइम से हो लाइक यहाँ पे? यहाँ पे तो 3 साल से हो गया। 3 साल से हो गए। तो कैसा चल रहा है धंधा? धंधा परवाह नहीं भाई, अभी तो फिलहाल देख ही रहे हो मार्केट में कोई नजर नहीं आ रहा है, नॉर्मली अभी अच्छा है, नॉर्मली अच्छा है। तो बाकी इसके अलावा जैसे आपने बोला दुकान वगैरह है, तो उधर कोई नहीं आता, तो इसने यहाँ पे पहले डिस्प्ले कर रखा है कि आइए और वैरायटीज है हमारे पास, देखिए अंदर आके आराम से बैठ के। ये हुआ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सीन। देखो आपको कपड़े कैसे लग रहे हैं पहले आप? कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, लाइक एक है एक वाइब आ रही है कि हाँ भाई ये यहाँ के तो नहीं है, ये है बाहर से, तो अट्रैक्ट। लाइक आपके पास लोग आते भी होंगे ना काफी, मतलब बोलते होंगे भैया यार ये क्या है, कुछ नया क्वालिटी अच्छा है, सब क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि क्वालिटी आप बहुत अच्छा दे रहे हो इतने सस्ते में, हम लोग मार्जिन बहुत कम रख रहे हैं ना, इसके लिए हमारे पास कस्टमर है। ये वही ना बात। तो अगर मुश्किल से आप लोगों के पास कितने कस्टमर आ जाते होंगे अप्रोक्स, हफ्ते में या महीने में? महीने में आते हैं भाई, अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, आते हैं अच्छे खासे आते हैं। इसके अलावा आपका कोई इससे पहले कोई बिजनेस कर रहे थे या कुछ? नहीं आइडिया, इससे पहले भी हमारा कपड़े का ही था, इससे पहले भी कपड़े का ही था, लेकिन ऐसा नहीं था शॉप था, लेकिन लॉकडाउन से लॉकडाउन में बंद कर दिया हमने। तो वो भी सेम ऐसे ही कपड़े रहते थे? कपड़े उसमें कॉस्टली भी थे, अब भी जैसा है वह नॉर्मल वेयर में, क्योंकि रोड है ना, रोड में कौन लेगा कॉस्टली ये बताइए आप। ये बात क्योंकि सब दुकान और मॉल पर रेफर करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल ही चलता है। ये बात तो है। तो ये हो गया लाइक जैसे अपने दिल्ली में सरोजनी नगर सेम वैसे ही अट्टा सरोजनी नगर वैसा ही है। तो वैसे ही बैंगलोर में अपना ये है, कभी भी आइए। इसका एक बार एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे है ये? ये जयनगर फोर्ट ब्लॉक है, नियर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन। नियर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, तो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन यही बाजू वाला है, ठीक है। मतलब किसी को भी कुछ भी चाहिए नॉर्मल वेयर और एकदम बजट में, बजट तो यहाँ आके ले सकता है आराम से, और आपकी वजह से मैं डिस्काउंट भी दूंगा अपने तरफ से। अरे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इसके अलावा मैं ये और पूछना चाहूंगा, देख आपके अलावा और कौन कौन है इस बिजनेस में? मेरा भाई और मेरी सिस्टर है। ओके हाँ, हम लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। हाय भैया कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आप तो आपने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया है क्या सोच के स्टार्ट किया था? एक्चुअली ब्रॉड डाउन बिजनेस है, पहले से करते रहते थे। एक्चुअली पहले बैग्स का बिजनेस चलता था, बट उसमें थोड़ा लॉस होने के बाद में वी जंप्ड इन टू क्लोथ्स। तो क्लोथ्स का एक्चुअली डैड को थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा था, तो वहाँ से ब्रॉड डाउन हुआ है, तो ऐसा फैमिली बिजनेस चलते हुए आ रहे हैं। तो भैया जैसे किसी और को अगर क्लोथिंग का स्टार्ट करना हो या तो कैसे करेगा, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं आजकल, आपको पता है कितने लोग हैं जो मतलब है ना, मतलब फेक इधर उधर बोलते रहते हैं, बांटते रहते हैं यार ये कर लो, इतने पैसे ले लो, उतने पैसे ले लो, बट नॉलेज एक होती है ना, बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, आगे कैसे ले जाना है, क्या करना है? तो बिजनेस एक्चुअली अगर आपको शुरू करना ही है तो सबसे पहले तो कपड़ों के बिजनेस में शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में तो कभी नहीं होएगा, क्योंकि आपको वैरायटीज जरूरी है, क्योंकि जब कस्टमर अगर आता है तो उसे एक चीज़ नहीं, उसको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी तभी वो लेके जाएगा कुछ पसंद करके ना, तो उसके लिए अलग अलग वैरायटीज के लिए नहीं तो भी 1 लाख और 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम तो आपको पता है कितना हो सकता है। राइट, एंड मेन इज एक स्पॉट जरूरी होता है, जो मार्केट स्पॉट होता है, तो आपको थोड़ा ढूंढ फूंढ के थोड़ा करके एक स्पॉट लेना जरूरी होता है, ताकि कस्टमर्स चलते फिरते क्राउडेड प्लेसेस में थोड़ा चलते फिरते कस्टमर अट्रैक्ट होकर रुके आपके पास। तो वो सब देखने के बाद यू शुड ट्राई टू डू इट, एंड थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, कहीं कहीं दूसरी दुकानों में जाइए या फिर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उससे बात करके, ऐसा नहीं एक्सपीरियंस पर बिजनेसमैन है जिसने एक्सपीरियंस है किया हुआ है तो उससे आप लीजिए। ये वेरी गुड, मेरे को भी थोड़ा बहुत गाइड करना है चीज़ें बाद में। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि जैसे आपने बताया तो ये गाड़ी का क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली लॉकडाउन से पहले हम लोग एक्चुअली फुटपाथ पे शुरू किए थे, तो उसके बाद से लॉकडाउन आया तो बड़ा लॉस फेस करना पड़ा हम लोग, बहुत बुरा स्टेज था। आई होप अगेन वापस से नहीं आए, ये फर्स्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग लॉकडाउन के बाद हम लोग ने थोड़ा मतलब दिमाग के, हम लोग सोच रहे थे ओमनी वैन में करने का, बट वो ज्यादा ही वो हो जाता है, वो ओमनी वैन का एक फील है ना, मूवी देख के लोग डर जाते हैं भाई ये गुंडे वाली वैन ले जाएगी, किडनैप हो जाएंगे सोचते थे सब लोग, सही बात है।
तो उससे हम लोग ने थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम हम लोग ने दिया उस पर, तो हम लोग गाड़ी ढूंढना शुरू करे, फिर स्पॉट ढूंढना शुरू करे हम लोग ने मलेश्वरम में, कहाँ कहाँ नहीं स्पॉट ढूंढा, गांधी बाजार में भी। फिर हम लोग ने ये गाड़ी फाइनल किया, वैगन आर मिली हम लोग को अच्छे कम प्राइस में मिल गई। एंड देन उसके बाद फाइनली ये स्पॉट पे आके एक दिन खड़े हो गए थे कि चलो ट्राई करेंगे, तो अच्छा खासा बिजनेस हो गया था क्योंकि क्राउडेड प्लेस था ना, मया मने हो लेके एंड मयाज उधर ही सामने है जी जी, तो बस उस पर थोड़ा अच्छा खासा हो गया, तो ये स्पॉट परमानेंट रख लिया हम लोग ने। हम लोग की दुकान भी थोड़ा सामने ही हम लोग ने रिसेंटली हो। तो जैसे कि आप लोग ट्रेंड के साथ अपडेटेड कैसे रहते हैं कि पब्लिक को ये चाहिए? ओके, तो एक्चुअली मेन आपको जैसे पता है ट्रेंड शुरू होता है मुंबई से, मुंबई में जो वो लोग मैन्युफैक्चर करके जो भेजते हैं तो मेन ट्रेंड मुंबई से शुरू होता है। एंड हम लोग लकीली मुंबई से माल लेके आते हैं, तो उसमें मालूम पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल नायरा कट हो गया, आलिया कट हो गया, फिश कट हो गया जो अभी यहाँ से लंबा आ जाता है, तो वो आजकल है ना मुंबई में ज़्यादा चल रहा है, फिर मुंबई से ब्रॉड डाउन होता है दूसरे दूसरे स्टेट्स में कि हाँ ये सब चल रहा है। और हम लोग का व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, अगर कस्टमर्स को चाहिए तो हम लोग नया माल जब भी लाते हैं स्टॉक आता है तो वो स्टेटस पे पोस्ट करते हैं, तो जो पब्लिक है वहाँ की जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब को पता लग जाता है यार ये आ गया चलो लूटो फटाफट। जो भी चल रहा है ऑलमोस्ट इंडिया में सभी सारी लड़कियां ही पहन रही है चिकन वर्क जो है, लखनवी के कुर्तीज है, पूरा चिकन वर्क आता है। तो ये पूरा कॉटन में? पूरा कॉटन में है, प्योर कॉटन हैंड वर्क मिलेगा आपको। ओके नाइस, तो इस ये कौन सा कट है? ये आपको नॉर्मल चिकन करी कट मिल जाएगा। चिकन करी कट, ओके। तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है इस बारे में, लड़कियों को बहुत सब पता है यार, दैट्स द थिंग। तो अच्छा, इट्स रियली गुड। एग्जैक्टली, ये आपको इसमें आपको रेयन मटेरियल में भी मिल जाएगा, एंड इफ यू वांट डबल कलर देन वैसा भी आपको मिल जाएगा वैसा भी। तो इसके अलावा जैसे आपने ये तो हो गया बेसिक, एक काइंड ऑफ जो चलता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाओ जो लड़कियां बोलती है ना भैया ये नहीं यार मजा नहीं आ रहा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको चाहिए तो ये फॉर एग्जाम्पल पार्टी वेयर जैसा भी हो जाएगा, एंड कैजुअल वेयर ये आपको मसलिन में मिलेगा। बहुत सुंदर है मटेरियल, फ्लावर प्रिंट के साथ आएगा आपको ये। वही भैया देखने में ही वो लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है रियली। भैया जो भी आपका ये कलेक्शन है मुझे तो बहुत पसंद है, तो लड़कियां तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, लाइक यार कुछ भी हो लेके तो जाना ही है, क्योंकि आपके रेट्स भी अच्छे हैं और ऊपर से आप प्रोवाइड करते हो विद क्वालिटी। ये हुई ना बात, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच। और आपकी जो दुकान है हम देखना चाहेंगे। जरूर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ दुकान।